उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज विधानसभा गोकुल नगर में पहुंचकर रोड का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान ये कहा कि ये रोड काफी लंबे समय से जर्जर हालत में थी और जिससे कि स्कूली छात्रों को और ग्रामवासियों को भी आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की मांग पर डामर रोड का लोकार्पण किया गया जिसका निर्माण 12 महीने में होना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे 6 महीने में ही पूरा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय वादा किया गया था कि मेरे जीतने के बाद इस रोड को जरूर बनवा दिया जाएगा। इसी क्रम में गोकुल नगर के ग्रामवासियों ने सौरभ बहुगुणा का फूलों की माला पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया और ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान ये कहा कि हमारी सरकार हर समस्या को देख रही है। के सभी लोगों को एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, लगभग जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 40-45 साल से ये रोड की डिमांड कर रहे थे। रोड नहीं थी, लोगों को बहुत समस्या होती थी, बारिश में निकलना दुश्वार हो जाता था, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और ये रोड आज बनकर तैयार है, उसी का आज हमने उद्घाटन किया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें वादा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये रोड का निर्माण कराया जाएगा और आज वो चुनावी वादा पूरा होगा। प्रधान जी का धन्यवाद करूँगा, लगातार संघर्ष करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाती हैं यहाँ के लोगों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि 12 महीने में इस रोड का अनुबंध हुआ था कि 12 महीने में रोड कंप्लीट होनी है।